नरसंहार के बाद सोनभद्र का घोरावल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार तहसील ऑफिस से रिकॉर्ड के गायब होने का मामला सामने आया है। तहसीलदार ने खुद इसकी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि रिकॉर्ड के 35 बैग में से 14 बैग गायब हो गए, जिसमें घोटालों से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए ऑफिस में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड की चोरी के वक्त सीसीटीवी को भी बंद कर दिया गया था। इस मामले में तहसील के पेशकार, नायब नाजिर और एक तहसील कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जो तहसील में 35 बस्ते रखे हुए थे भिन्न भिन्न गाँव की पत्रालियों से रिलेटेड, उसमें से 14 बस्ते गायब हो गए हैं। इसके संबंध में नामजद तहरीर दी गई थी वहाँ से, और उसमें जो वहाँ के पेशकार हैं तहसील के, वो और वहाँ के नायब नाजिर और एक अन्य कर्मचारी का नाम उसमें दिया गया है। इसके बारे में मुकदमा लिख करके 419-20-467-68 का मुकदमा लिख करके जानकारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त एक और मुकदमा तहसील की तरफ से ही थाना घोरावल पे लिखाया गया है।